हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल एक्सप्रेस नो योर कॉलेज के पार्ट सेकंड में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेज इन जयपुर फॉर साइंस स्टूडेंट्स। साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा कॉलेज है दोस्तों, यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज। तो यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज की आज डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप लोगों को कॉमर्स कॉलेज के बारे में देखना है तो उसकी उस वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसकी वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। इस नो योर कॉलेज की दूसरी सीरीज में मैं यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज के बारे में आप लोगों को यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज में कितनी सीट्स होती हैं, कौन कौन सी कोर्सेज यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज ऑफर करती है, कौन सी कोर्स कितनी फीस होती है दोस्तों, और प्लेसमेंट का क्या है, और एक इंपॉर्टेंट बात एनसीसी और एनएसएस के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो के बारे में बताऊंगा कि महाराजा कॉलेज में एनसीसी और एनएसएस का क्या इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाइएगा। दोस्तों आप लोगों को पता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से देता रहता हूं। दोस्तों चलो दोस्तों बिना देर किए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, महाराजा कॉलेज एक बॉयज कॉलेज है और बॉयज के लिए यहाँ पे बीएससी पास कोर्स, बीएससी ऑनर्स और बीसी जैसे कोर्सेज महाराजा कॉलेज ऑफर करता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स महाराजा कॉलेज में होती है हर कोर्स के लिए। दोस्तों देखिए दोस्तों बीएससी पास कोर्स में टोटल नंबर ऑफ सीट 720 है, लेकिन इस 720 में मैथ्स ग्रुप के भी स्टूडेंट हैं और बायो ग्रुप के भी स्टूडेंट इसमें 720 में आते हैं। तो हाफ सीट्स मतलब कि 360 सीट बीएससी पास कोर्स अगर मैथ्स ग्रुप वालों के लिए है तो 360 सीट बीएससी पास कोर्स बायो ग्रुप वालों के लिए। दोस्तों अब देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो मैथ्स ग्रुप है इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, आप लोग के लास्ट में आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो स्क्रीनशॉट होगा वो लास्ट में लगा दूंगा। आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा कि जो बीएससी पास कोर्स में भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कौन कौन से सब्जेक्ट पास कोर्स में यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज आप लोग को ऑफर करता है। ठीक है दोस्तों बात करते हैं बीएससी ऑनर्स की। ऑनर्स में दोस्तों बीएससी ऑनर्स में जितनी आप लोग को बता देता हूं कि बीएससी ऑनर्स यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज कौन कौन से कोर्सेज से ऑनर्स की कोर्सेज ऑफर करता है। तो बॉटनी से आप बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं, केमिस्ट्री से बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं, मैथ से बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं, फिजिक्स और जूलॉजी से बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं और सभी में 30 सीटें होती हैं। दोस्तों 30 सीट्स ईच होती है सारे बीएससी ऑनर्स के कोर्सेज में। अब देखिए दोस्तों बढ़ते हैं बीसीए की तरफ। बीसीए जो है वो यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज में एक सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम का कोर्स है, मीन्स इवनिंग में बीसीए की क्लासेस लगती हैं। जिनमें बच्चों को यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज से बीसीए करना है तो उनकी क्लासेस इवनिंग में लगेंगी। दोस्तों अब पढ़ते हैं कि फीस स्ट्रक्चर कितना होता है, इन सारे कोर्सेज का फीस स्ट्रक्चर क्या होता है। दोस्तों देखिए दोस्तों जो बीएससी पास कोर्स का है, मैथ्स ग्रुप हो गया, बायो ग्रुप हो गया, इसकी अप्रॉक्स फीस 7,000 रुपए से लेके 8,000 रुपए तक लगती है और ये पर एनम फीस है। एक बार में आपको वन टाइम पेमेंट एडमिशन जब आपका होता है तो आपको सबमिट करानी होती है। दोस्तों ऑनर्स की जितनी भी कोर्सेज हैं, ऑनर्स में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बॉटनी ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, इन सारे ऑनर्स के कोर्सेज की फीस होती है 7,500 रुपए से लेके 8,000 रुपए। ये भी एनुअल फीस है, वन टाइम एडमिशन के टाइम पे आप लोगों को सबमिट कराना रहता है। दोस्तों अब देखिए दोस्तों जो बीसीए का कोर्स यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज ऑफर करता है इसमें 120 सीटें होती हैं, 120 सीट्स होती हैं बीसीए के कोर्सेज में और इसकी फीस लगभग 30,000 से लेके 35,000 तक, ये भी वन टाइम फीस एडमिशन के टाइम में आप लोग को सबमिट करानी रहती है। अब सबसे खास बात कर लेते हैं हम यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज की, जो कि है इसका एनसीसी और एनएसएस का जो सेल है। दोस्तों इस समय यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज में एनसीसी के 3 एक्टिव सेल मौजूद हैं और एनएसएस के 5 एक्टिव सेल मौजूद हैं। पिछले साल दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज के स्टूडेंट्स ने जो रिपब्लिक डे पे राजपथ पे परेड होता है उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। तो अगर आप यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज में एडमिशन लेंगे बीएससी के कोर्सेज के लिए तो आप जरूर से जरूर एनसीसी या एनएसएस में सिलेक्शन करवाइएगा, आप इसके कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। दोस्तों इससे बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है आप लोगों को। मैंने पिछले जो नो योर कॉलेज की पहली वीडियो थी कॉमर्स कॉलेज की उसके बारे में बताया था कि एनसीसी और एनएसएस के क्या बेनिफिट हैं, आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं फिर से बता देता हूं कि एनसीसी और एनएसएस अगर आप ज्वाइन करते हैं तो अगर आपको आर्मी में, पुलिस में इसमें जाना होता है और आने वाली जो गवर्नमेंट जॉब लगती है इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप एनसीसी के स्टूडेंट हैं तो आपको 5% का रिजर्वेशन मिलेगा और एनएसएस के स्टूडेंट हैं तो 3% का रिजर्वेशन आप लोग को मिलेगा। दोस्तों अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं जिस गवर्नमेंट जॉब में ये एप्लीकेबल होता है, और आर्मी वगैरह की जो रेस होती है उसमें आप लोग को इजीली सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों बिना रेस के, बिना कंपटीशन, क्योंकि आप फिजिकली फिट पहले से ही रहते हैं एनसीसी और एनएसएस के स्टूडेंट के नाते। तो यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज की ये पूरी डिटेल थी दोस्तों, आप लोग को जानने को मिला होगा कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करती हैं, कितनी नंबर ऑफ सीट्स होती हैं यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज में और किस कोर्स की कितनी फीस होती है, और एनसीसी और एनएसएस जो कि खास बात है यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज की, बहुत सारे स्टूडेंट एनसीसी और एनएसएस में हर साल पार्टिसिपेट करते हैं इस कॉलेज से। दोस्तों तो आप लोग को आने वाली सीरीज में, इसी सीरीज में यूनिवर्सिटी राजस्थान कॉलेज, यूनिवर्सिटी महारानी कॉलेज और जितने भी और लॉ के कॉलेजेस हैं उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन की घंटी दबा के रखिएगा,
जैसे ही कोई अपडेट आप लोग के लिए आती है राजस्थान यूनिवर्सिटी की, सबसे पहले हमारे चैनल पे आप लोग को मिल जाती है ऑथेंटिक अपडेट्स के साथ। हम आते हैं दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।